चलो आज उस दौर की बात करते हैं जिन्हें सभी हमेशा खुल के जिया करते हैं। चलो फिर एक अनोखी याद दोहराता हूँ। चलो फिर अपने बचपन के किस्से फिर से याद दिलाता हूँ। बचपन जिसे हर कोई फिर से जीना चाहता है, जिसे हर कोई अपनी ख्वाहिशों में मारा है। किसी ने पूछा हमसे, इतना क्यों याद करते हो उन पलों को? हमने भी कहा, उन हसीन पलों को चाहकर भी भुलाया नहीं जाता है। वो स्कूल जाने के लिए रोना, वो पापा का सिक्कों का लालच देकर स्कूल छोड़ना, अब और कहाँ। वो स्कूल पहुंचकर दोस्तों के साथ मस्ती, वो बेल बजने पर घर को नए उत्साह के साथ लौटना, अब और वो थक हार कर घर आना, वो बैग रख कर माँ का प्यार से खाना खिलाना, अब और कहाँ। वो दिन भर सर्दी बारिश धूप में बिना किसी फिक्र के, अब और कहाँ। वो छोटी छोटी बातें, वो छोटी छोटी खुशियाँ, बिना मोबाइल वीडियो गेम के बाहर घंटों तक खेलना, अब और कहाँ। वो मिट्टी के घर, वो कागज़ की कश्ती, वो गुल्लक के पैसों की खनक, वो टिफ़िन के खुलने पर खुशबू की महक, अब और कहाँ। न जाने समय कैसे बदल गया और हम बड़े हो गए, वो मौज मस्ती वहीं रह गए। जिस स्कूल और बचपन की पाबंदी को हम उस समय कोसते थे, आज उन्हीं को याद याद करके कुछ ना कुछ बातें किया करते हैं। बस इतनी सी होती बचपन की कहानी है, छोटी छोटी खुशियाँ और बड़े बड़े ख्वाब। सच कहते थे मास्टर जी, जी लो इन पलों को कमबख्तों, वरना याद करके पछताओगे। फिर कभी अपने बच्चों के साथ बैठकर ये दौर गुनगुनाओगे। वैसे तो ज़िंदगी में बचपन जवानी और बुढ़ापा तीनों आते हैं, पर बचपन जैसा मज़ा ये दोनों कहाँ दे पाते हैं। अंत में इस शानदार कविता का इन्हीं दो पंक्तियों के साथ विराम करूँगा। वो दिन भी कितने अच्छे थे जब हम भी हुआ करते बच्चे थे। सपनों का वो आंगन कहा, दर्पण बता बचपन कहा, सीधा